हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो थंबनेल एंड टाइटल देखकर वीडियो पर क्लिक किया हो तो वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पर गार्ड क्या है। सबसे पहले गार्ड क्या है इसे मैं बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा इसका क्या लाभ क्या हानि है और इसको कैसे ऑन ऑफ करना है। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। बिना स्क्रिप्ट के देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे क्या वीडियो है। तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो यहाँ से रेड वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटा करने का इसको भी ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले मैं फेसबुक को ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जिस मेरा प्रोफाइल में गार्ड लगा हुआ है पहले मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको क्लिक कर लेना है। मैं जिस लगा के रखा हूँ आपको थंबनेल में तो दिख ही गया होगा, आयुष कुमार वाली आईडी में मैंने गार्ड लगा के रखा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पर मेरा पता नहीं नेटवर्क को क्या हो जाता है शाम शाम को। तो देख सकते हैं मेरा ये आयुष कुमार वाली आईडी को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने गार्ड का आपको पहचान पहले बता देता हूँ। देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल में ये जो आइकन बना हुआ है तो ये गार्ड का पहचान है। ठीक है, तो इस आईडी में मैं स्क्रीन गार्ड लगा गार्ड लगा के रखा हूँ। तो गार्ड लगाने से क्या फ़ायदा है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप किसी आईडी पर ये लोगो देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि उस आईडी पर गार्ड लगा हुआ है। उसका मतलब है कि आप वहाँ का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ना ही स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो बना सकते हैं। जब भी आप स्क्रीनशॉट लेना खोजेंगे तो वहाँ से आपका स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा और ना ही आप स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि आप जब भी बनाने जाएंगे तो आपका काला काला दिखेगा। जैसे आपका अभी जो शिल्पी सिंह आईडी चल रहा है एसडी फैमिली का, तो आपको पता होगा जब भी उस आईडी पर जाएंगे तो आपका स्क्रीन रिकॉर्ड ना ही होगा, ना ही यहाँ पर आपका स्क्रीन वीडियो बनेगा, काला काला आ जाएगा। तो इसको कैसे लगाते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इसको लगाने के लिए यहाँ पर आप जिस भी प्रोफाइल में लगाना चाहते हैं सबसे पहले उसको आप यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। ओपन कर लेने के बाद जैसे इस सकते हैं यहाँ पर इसमें आईडी में लगा हुआ है, तो मैं आपको दूसरा आईडी लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए इस आईडी पर मैं लगाया नहीं हूँ, तो मैं इस आईडी को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस आईडी को ओपन करने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा नेटवर्क वीक है। इस जिस आईडी पर लगाना चाहते हैं उस आईडी को ओपन कर लेना है आपको। जैसे मैंने ओपन कर लिया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो देख सकते हैं मैंने अपना रियल अकाउंट को ओपन कर लिया। देख सकते हैं इसमें यहाँ पर मेरा कोई लोगो नहीं बना हुआ है, तो इसका मतलब कि इसमें गार्ड लगा हुआ नहीं है। तो मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं टर्न ऑन प्रोफाइल पिक्चर्स गार्ड, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, तो देख सकते हैं इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा गार्ड का लोगो आ चुका है। आने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर में या नीचे में आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर मेरा गार्ड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, आप ना ही मेरा इस प्रोफाइल का कोई स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो बना सकता है, ना ही मेरे प्रोफाइल का कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कि आपको ये पता था वो भी बता दीजिए, नहीं नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह लेटेस्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आपका भगवान।